महज 28 दिन पहले झुमरी तिलैया नगर परिषद के प्रशासक के रूप में सुरेश प्रसाद यादव ने तत्कालीन प्रशासक कौशलेश कुमार से पदभार लिया था, लेकिन नगर विकास विभाग ने पिछले दिनों सुरेश प्रसाद यादव का तबदला चतरक कर दिया। विनीत कुमार को झुमरी तिलैया नगर परिषद का प्रशासक बनाया गया था। 4-5 दिन पदभार ग्रहण को लेकर किचकिच चली। पदभार ग्रहण के लिए विनीत कुमार को कार्यालय से बेरंग लौटना पड़ा। आखिरकार विनीत कुमार ने सुरेश प्रसाद यादव से गुरुवार को पदभार ग्रहण कर लिया। नगर परिषद कार्यालय में पदभार ग्रहण को लेकर औपचारिक कार्यक्रम आयोजित कर विदाई सह स्वागत कार्यक्रम किया गया। नगर प्रशासक विनीत कुमार ने केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं में कार्य प्रगति तेज करने की बात कही। वहीं वेडिंग जोन को लेकर शहर के गणमान्य लोगों की सुझाव लेकर काम करने की बात कही। कोडरमा से विकी केसरी की रिपोर्ट। केंद्र या राज्य प्रायोजित जो योजनाएं चल रही हैं, तो उनका निष्पादन जो है सही समय पर करना, उसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान में भी गार्बेज फ्री सिटी के लिए झुमरी तिलैया नगर परिषद को लक्षित किया गया है, तो इस संबंध में भी हमारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना जो चल रही है उसे निश्चित रूप से रिकॉर्ड समय में पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। जैसा कि विदित हुआ है कि यहाँ पर जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट है वो भी लगभग अंतिम चरण में है, तो उसके कार्य को भी शीघ्र पूरा किया जाएगा। उसके अलावा डोर टू डोर कलेक्शन जो है वो पूर्व से चालित तो हो रहा है, परंतु उसकी दक्षता बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, इस पर शीघ्र काम किया जाएगा। नई केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत जो हमें ग्रांट्स प्राप्त हुए हैं, तो उसके संबंध में HLMC द्वारा जो योजनाएं जो है स्वीकृत की गई हैं, तो उन योजनाओं को शीघ्र धरातल पर उतारने का काम करेंगे। और गैर कर राजस्व जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू, उसके क्षेत्र में जैसे म्यूनिसिपल रेंट जो आते हैं म्यूनिसिपल प्रॉपर्टीज से, उसके अलावा और भी कई स्रोत हो सकते हैं राजस्व के नगर परिषद के लिए, जिससे कि राजस्व स्रोत बढ़ें तो हम नागरिक सुविधाएं भी है उसके मापदंड तय कर सकें और उनको उपलब्ध करा सकें अपने नागरिकों को, इस संबंध में भी शीघ्र कार्य किया जाएगा। वेंडिंग जोन का जो कॉन्सेप्ट है वो NULM के तहत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है ये, तो स्ट्रीट वेंडर्स जहाँ तहाँ लगाते हैं उससे पार्किंग की भी समस्या होती है निश्चित रूप से, यातायात भी बाधित होता रहा है। और पूर्व में वेंडर्स के लिए कंक्रीट का ब्रिक एंड मोर्टार स्ट्रक्चर बनाया गया था जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं रहा है, तो वेंडिंग जोन्स का कॉन्सेप्ट बेस्ट है कि हम ऐसे स्थान चिन्हित कर सकें जहां स्थायी रूप से जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो अपना बिजनेस चला सकें, वहां पर अपना ठेला या जो भी खुमचा है इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स है वो रेगुलर बेसिस पर कर सकें। तो वेंडिंग जोन के लिए अभी मुझे जानकारी नहीं है कि यहाँ पर जगह चिन्हित की गई है या नहीं, तो निश्चित रूप से अगर जगह चिन्हित कर ली गई है तो उसमें जो भी छोटा मोटा स्ट्रक्चर बनाना हो, जैसे गार्ड रूम होना चाहिए या छोटा ढांचा होना चाहिए, पूरी तरह से कंक्रीट का ढांचा निश्चित रूप से नहीं बनेगा, तो उसको बनाने के लिए जो भी निविदा की कार्रवाई होगी वो करेंगे। और अगर वेंडिंग जोन के लिए जगह चिन्हित नहीं हो पाई है तो यहाँ के जो प्रबुद्ध नागरिक है उनकी सहायता से वैसी जगह को चिन्हित करके और लक्षित करके कार्य किया जाए।